हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ रहें, अपने घर में मस्त रहें, तबीयत पानी से एकदम। भगवान सबको अच्छे से खुशहाल रखे। तो स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में, सोनम पांडे ब्लॉग्स में। तो अभी मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो एक बात मेरे मन में खटक रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो यूट्यूब पे बहुत सारी बातें आ रही हैं गुड़िया गोरखपुरिया के बारे में। क्योंकि वो क्या है कि कहते, कोई कहता है पूरी खा के, मतलब उसको बच्चा हुआ है, पूरी खा के आई है। और गोरखपुरिया भौजी के बारे में एक चीज कहना चाहती हूँ कि वो किस लिए नहीं गई थी उनके बच्चे के फंक्शन, मतलब जो वो की थी, जो उनके पास था थोड़ा बाड़ा, सबको इन्वाइट की थी, वो क्यों नहीं गई थी। वजह है क्यों नहीं गई थी कि कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो असली वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाती है। हस्बैंड जो है उसका, अपनी वाइफ को कैसे कैसे करके वो वीडियो बनाता है। अब जाके वो वायरल हुआ, 100 वीडियो जाके उसको मैं भी देखी हूँ, कल जाके देखी, तब मुझे पता चला कि लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं। भाई कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जो ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है तो बच्चे भी देखते हैं, तो थोड़ा बुरा असर पड़ता है। तो ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है, इससे अच्छा तुम साला कोठे पे रख दो, पैसे के चक्कर में तुम इज्जत को गंवा रहे हो। बीवी है तुम्हारी की रखेल है वो, कि धंधे वाली है, कि उसको वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के डाल रहे हो। अरे शर्म करो थोड़ा सा, क्या कल की तुम्हारा बच्चा, आज तुम्हारा बच्चा हुआ है, कल वही बड़ा होगा, अगर तुम्हारी ये वीडियो देखेगा तो उसपे क्या असर पड़ेगा? अरे शर्म करो थोड़ा सा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। हाँ, इज्जत नाम की चीज है कि नहीं है? कमाओ, कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, कमाओ, मेहनत करके कमाओ। अरे नुमाइश करके, इज्जत की नुमाइश करके पैसा कमाना, आज तो कमाओगे, लोग क्या कह रहे हैं बताओ? आपके पीठ पीछे आपकी कितनी बुराई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितनी सारी बातें आ रही हैं। क्यों आप लोग, आपसे बात करने में और आपके घर जाने में लोग हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि तुम ऐसा काम ही करते हो कि बताओ, कोई अपनी वाइफ का तन दिखाता है, कोई अपनी वाइफ का पेटीकोट ऊपर करके दिखाता है, कोई अपनी वाइफ का ये इसको कपड़े को ऊपर करके ऐसे करके वीडियो बनाता है? कोई नहीं बनाता, तो करना भी नहीं चाहिए। अरे बीबी है तुम्हारी, कम से कम कहते हैं ना, वाइफ है, घर की लक्ष्मी होती है, तो क्या कहें अब आपको। और ऊपर से तुम बुला के फंक्शन कर रहे हो, तो वही इंसान जाएगा, जो जैसा रहता है वही जाता है, क्योंकि उसी को वही लोग सपोर्ट करते हैं जो जैसा काम करता है। चाहे विष्णुराज चौहान हो, चाहे मालती चौहान हो, क्या विष्णुराज मालती चौहान बहुत अच्छी है? नहीं है। उन लोगों की लड़ाई देखो, पिछली वाली वीडियो में तो जैसे लगते है कुत्ते कुत्ती लड़ रहे हैं। हैं, अरे थोड़ा सा शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चार पैसे के लिए सारा इज्जत को गंवा बैठे हो। है, आज तुम रो रहे हो, अरे तुम्हारे घर कौन जाएगा? कोई नहीं जाता। तो गोरखपुरिया भौजी जो बोली है सही बोली है, और बोली भी क्या है, वो कोई गलत नहीं बोली है, ठीक बोली है। भाई बच्चे भी बड़े, कल को तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, कोई भी वीडियो देखेगा तो कहेगा ये मेरे मम्मी पापा है। अरे खुद पे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और काम वैसा करो कि सामने वाला भी तुमको अच्छे से मान सम्मान इज्जत करे। है, और वही सम्मान इज्जत आपको देगा जो जैसा रहेगा, जैसे आप बनाते हो वैसे वो भी बनाता है, तो आपका साथ दे रहा है। तो ऐसा काम मत करो कि YouTube पे तुम्हारी गंदगी हो और तुमको सामने से कोई उल्टा सीधा करके जाए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बच्चे के बारे में, तुम्हारी बीवी के बारे में। चुल्लू भर पानी में डूबे, मेहनत करके कमाओ यार, मेहनत करने में क्या जाता है? हम कह रहे 4 दिन बाद मेरी वीडियो वायरल होगी, हम मेहनत करेंगे, हम आए दिन मेहनत करेंगे, वीडियो डालेंगे, अच्छी वीडियो बना के डाल, आज नहीं तो लोग कल कम देखेंगे, कल पसंद करेंगे, लेकिन करेंगे। तो ऐसा काम करो कि भाई इज्जती ना हो, क्योंकि इज्जत चली जाती है तो इज्जत आती नहीं है। पैसा तो मिल भी जाता है लेकिन इज्जत नहीं मिलती है। इंसान पैसा तो कमा लेगा, कहीं भी पूछ भी करके पैसा कमा लेगा, लेकिन इज्जत चली जाएगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। थू थू हो रहा है जो पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे क्यों थू थू कर रहे हैं कि तुम ऐसे वीडियो बनाते हो? अरे थोड़ा सा गुड़िया गोरखपुरिया, थोड़ा सा शर्म करो। अरे कल के और भी लोग देखेंगे, दूसरे के बच्चे देखेंगे, या कोई भी देखेगा तो तुमको क्या कहेगा? जो आज कह रहे हैं सब लोग, और कहते हैं ना, बोल क्या थे, सुपोत बोले बोले चलनियों बोले जिक्रे बहत्तर ठीछे, अरे भगोड़ियन बोलत है। अरे ये है ना, क्या नाम है इनका भी, 1 मिलियन की 2 मिलियन में चैनल है, इनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक सुगु मुगु चैनल है, वो बोलती हूँ, वो पता नहीं कहाँ की पत्र बचा निकल आई है। अरे तुम पहले अपना देख लो तो तुम दूसरे को बोलो, तुम तो खुद वही काम करके भाग के शादी की हो, माँ बाप को छोड़ दी हो, तुम किस लायक हो बात करने के लिए? और तुम भी तो किस, वो क्या करती है अपने हस्बैंड का किस खुलेआम ले लेती है? अरे तुम भी तो वही अश्लील वीडियो बनाती हो,
शर्म करो बेशर्मो। तो गोरखपुर या भोजी ने गलत नहीं बोला, जो बोला है सही बोला है, और जो सच्चाई का साथ देता है, जो अच्छों का साथ देता है, वो अच्छा ही बोलता है। रखो और अपने आप को अच्छे से अच्छी जगह यूज करो, जहां लोग आपको कुछ कह ना सकें, गलत ना बोल सकें, गलत कमेंट ना कर सकें। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो गोरखपुर भोजी इसी वजह से नहीं गई, क्योंकि यही मेन वजह थी। कल वो उनकी वीडियो आई थी और उनका शायद डॉगी खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो अच्छे लोगों का सपोर्ट करो और अच्छा अच्छा सा कमेंट करो, अच्छी वीडियो लाओ जो लोग तुम्हें देखें और तुम्हें पहचाने, तुम्हारी अच्छाइयों से, बुराइयों से नहीं, तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों से पहचाने। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। और तुच्छ जो होते हैं, जो कमीनापंती करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। आज तुम आगे बढ़ गए हो किस लिए? तुम्हारी वीडियो किस चीज पे वायरल हुई? गंदगी करके। अरे अच्छा करो, लोग तुम्हें अच्छे से जानेंगे, तुम्हारा नाम होगा कि हाँ ये है वो है। अब आप तुमको क्यों लोग कह रहे हैं कि ये तो साला अश्लील वीडियो बनाता है, ये साला गंद है? तो अच्छा है, बीवी का ध्यान दो और उसको अच्छे से इज्जत से रखो, क्योंकि इज्जत चाहती है, इज्जत आती नहीं है दोबारा। तो उसकी केयर करो और भगवान करे कि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए और अपने घर में अच्छी सी वीडियो बनाओ, फैमिली के साथ इंजॉय करो, लोग अच्छे अच्छे मिलेंगे। बुराइयों का बुराई करोगे तो बुराइयां मिलेंगी, अच्छाई करोगे तो अच्छाइयां मिलेंगी। तो गोरखपुर या भोजी ने कोई गलत नहीं बोला, मैं उनका हमेशा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो अच्छा जो बोलती है सही बोलती है, एकदम खर्रा खर्रा बोलती है। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है और मैं ऐसे लोगों की चर्चा में करना भी पसंद करती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना और मेरी वीडियो को भी लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।